हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया खंडेलवाल। कैसे हैं आप लोग सब? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चॉकलेट केक की रेसिपी। ये हम बिना अंडे से और बिना मैदे से बनाएंगे। ये सिर्फ आटे से बनेगा केक और बहुत टेस्टी बनेगा। आप चाहें तो इसे बिना अवन के भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक कप दही। मैंने यहाँ पे घर का जो गाढ़ा दही होता है ये लिया है। जब भी आप किसी केक में अंडे को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसकी जगह हम दही यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो केला भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। इसको अच्छे से मिलाएं और हम इसे एक साइड में रख देंगे। आप देखेंगे कि इसमें अच्छे से बबल्स आने लग जाएंगे, क्योंकि जो दही है वो बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करता है। दूसरे बोल में हम लेंगे आधा कप तेल। आप यहाँ पे जो ऑयल यूज करें इस बात का ध्यान रखें कि उसमें कोई भी फ्लेवर नहीं होना चाहिए या स्मेल नहीं होनी चाहिए। जो सनफ्लावर का ऑयल आपको मार्केट में मिल जाएगा आप वो यूज करें। उसमें हम डालेंगे 3/4 कप चीनी। आप यहाँ पे चीनी की जगह गुड़ भी यूज कर सकते हैं। मैंने दोनों तरह से ट्राई किया है, केक बहुत अच्छा बनता है। आधी छोटी चम्मच वनीला एसेंस, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। जो चॉकलेट केक है ये बहुत स्पॉन्जी, फ्लफी और एकदम सॉफ्ट बनता है। आपको एकदम बेकरी स्टाइल जो केक है ये आप घर में बना सकते हैं, वो भी गेहूं के आटे से। आप ये केक चाय के टाइम पे इंजॉय करें, आपको बहुत पसंद आएगा। इसे अच्छे से बीट करेंगे हम जब तक ये फ्लफी हो जाए और शुगर पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाए। अब इसे आप एक साइड में रख दें। हम दूसरी तरफ दूध लेंगे 1/3 कप। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर डालना ऑप्शनल है, बट जो चॉकलेट केक है इसका फ्लेवर बहुत इंटेंस आता है अगर आप कॉफ़ी डालेंगे तो। अब हम सारे वेट इंग्रेडिएंट्स को मिलाएंगे। तो जो कॉफ़ी इन्फ्यूज दूध है इसे आप डालें, इसमें अच्छे से मिलाएं। अच्छे से बीट करना है हमें जब तक शुगर डिजॉल्व हो जाए। मैं आज केक अवन में बना रही हूँ, बट अगर आप चाहें तो आप इसे कढ़ाई में या फिर कुकर में बना सकते हैं। 30 से 40 मिनट के लिए आप बेक करेंगे इसे मीडियम फ्लेम पर। सबसे पहले आपको जो कुकर है या कढ़ाई जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसे आपको प्रीहीट करना पड़ेगा 10 से 12 मिनट तक। इसमें हम डालेंगे दही का मिक्सचर। जैसे ही आपका कुकर या कढ़ाई प्रीहीट हो जाए उसके बाद आप जो केक का मिक्सचर है इसे बेक करेंगे 40 मिनट के लिए, और जब तक आप इसमें एक नाइफ इंसर्ट करें और वो एकदम क्लीन आए। मैं आज अवन में बेक कर रही हूँ इसलिए मैंने अवन को प्रीहीट कर लिया है 180 डिग्री सेल्सियस पर। अच्छे से मिला लें इसे। अब वेट इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिल गए हैं। हम दूसरी तरफ एक बोल लेके इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। सबसे पहले आप लें 1 कप और 1/4 कप आटा। मैंने यहाँ गेहूं का आटा यूज किया है, और 1/4 कप कोको पाउडर हम लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। मैंने आज जो केक की रेसिपी बनाई है ये मैंने मेजरिंग स्पून और मेजरिंग कप्स यूज करके बनाई है। आप इसे चाय के कप से या घर की चम्मचों से बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। अब दूसरी तरफ हम ले लेंगे चोको चिप्स। यहाँ 1/2 कप चोको चिप्स में आप थोड़ा सा आटा डालें। ऐसा करने से जो आपके चोको चिप्स हैं वो केक के बैटर में नीचे जाके नहीं बैठेंगे और वो बीच में रहेंगे, इसलिए आप इसे कोट कर लें आटे के साथ। अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स में सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। आप सबसे पहले एक चलनी ले लें और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम सिफ्ट करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी हम एगलेस रेसिपी बनाते हैं कोई सी भी तो उसमें एयर इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप इसे छानेंगे तो जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें एयर आती है। अब आटा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर का जो मिक्सचर है इसे मिलाते हुए छान लें अच्छे से। जैसे ये छन जाएगा एक स्पैचुला की हेल्प से हम इसे जेंटली फोल्ड कर लेंगे। इस स्टेज में हमें बिल्कुल भी ओवर मिक्स नहीं करना है। हम सिर्फ तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये कंबाइन हो जाए। थोड़े से इसमें हमें लम्स दिखेंगे, बट वो बिल्कुल ठीक है। केक आपका एकदम परफेक्टली बेक होगा। अगर आप इस स्टेज में ओवर मिक्स करेंगे तो आपका जो केक है वो बहुत डेंस बनेगा और एकदम गाढ़ा और थिक बनेगा, जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। इसलिए जो कट एंड फोल्ड मेथड है इसके थ्रू आप इसे मिक्स कर लें। देखिए बैटर आपका तैयार है। इसमें हम डालेंगे चोको चिप जिसको हमने आटे से कोट करके रखा था, और जेंटली फोल्ड करेंगे इसे भी। जो आज बैटर मैंने बनाया है इससे आप 2 केक बना लेंगे 6 इंच के टिन्स में। अगर आप चाहते हैं एक बड़ा केक बनाना तो आप 9 इंच के टिन में एक केक बना लें। इसे मिक्स कर लिया है हमने अच्छे से। अब आप 2 पैन को ग्रीस कर लें पहले ऑयल से, उसमें थोड़ा सा मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ बटर पेपर लगाया है। आप दोनों पैन में बैटर को पोर कर लें और इसमें थोड़े से चोको चिप्स डाल दें। ये ऑप्शनल है, बट चोको चिप्स बहुत अच्छे लगते हैं चॉकलेट केक के साथ,
और मेरे तो फेवरेट हैं, इसलिए मैं डाल रही हूँ। मेरा जो ओवन है वो प्री हीट हो चुका है, हम इसे बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे 25 से 30 मिनट के लिए, या जब तक हम इसमें एक नाइफ इंसर्ट करें और वो एकदम क्लीन आए। सभी मुझसे यूजुअली पूछते हैं कि मैं क्या सेटिंग यूज़ करती हूँ ओवन में, तो मेरे पास मॉर्फी रिचर्ड्स का 52 RCSS ओवन है। इसमें मैं दोनों रॉड्स को ऑन करके बेक करूँगी 25 से 30 मिनट के लिए। ध्यान रखें, अगर आप माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो कन्वेक्शन वाला माइक्रोवेव यूज़ करें। अब केक को हम ठंडा कर लेंगे। जब तक केक ठंडा नहीं होता है हम इसे डीमोल्ड नहीं करेंगे, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ये तो जो केक है वो बहुत जल्दी टूट जाएगा। एक नाइफ इंसर्ट करके देखें, और देखिए नाइफ एकदम क्लीन आया है। अब हम साइड में नाइफ रन कर लेंगे और केक को डीमोल्ड कर लेंगे। आप एक प्लेट रख दें इसके ऊपर और इसे डीमोल्ड करें। इसका जो पार्चमेंट पेपर या बेकिंग पेपर आपने लगाया था वो आप निकाल लें। देखिए केक कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है। इसे हम वापस से टर्न कर लेंगे। आपका चॉकलेट केक जो हमने आटा से बनाया है एकदम रेडी है। आप इसे तुरंत ही सर्व करें, आप इसे बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। इतना टेस्टी सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बनके तैयार हो गया है सिर्फ 30 मिनट में। अगर आप इसे बेक कर रहे हैं कुकर में तो 40 मिनट के लिए बेक करेंगे। अगर आप और ऐसी एगलेस बेकिंग वाली रेसिपीज देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, उन्हें भी बहुत पसंद आएगी ये वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, उसी के पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आए मेरी वीडियोज़ की सबसे पहले। सुपर स्पॉन्जी और मॉइस्ट केक एकदम रेडी है। आप जब भी ये केक बनाएं इसकी फोटोज आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भेज सकते हैं, दोनों की जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। मैं जल्द ही लौटूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।